अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे इस खसूसी प्रोग्राम में फिर से आपका खैर मकदम है। हम बात कर रहे हैं यहाँ हमारी टीम के की मेंबर्स से। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं जनाब शाहिद साहब से। जनाब शाहिद साहब, जो सवाल अभी हमने सज्जादुल हसनैन साहब से पूछा था, वही सवाल हम आपसे करना चाहते हैं कि जब चैनल की शुरुआत में क्या चैलेंजेस रहे और कैसे जो है उसको जो है कामयाब बना सके, इसमें क्या आपका रोल रहा और तमाम जो है कैसे जो है ये सब कुछ हुआ, आप कुछ बताएं। देखिए अतहर साहब, इसमें जब शुरुआत का इसका आगाज़ शुरू हुआ था, उस वक्त ऐसे न सिर्फ मैं बल्कि ऐसे तमाम टीम ऐसे जो इससे वाबस्ता थी, वो उनकी दिन रात की मेहनत थी, जो जिस तरीके से जो जद्दोजहद करते हुए इस मुंसिफ टीवी के इनॉग्रेशन की तैयारी कर रहे थे, रात रात भर ऐसे इसको मुंसिफ टीवी के काम में जुटे हुए थे, तो वो तो एक यादगार लम्हा है। और रहा सवाल चैलेंजिंग, तो इतना बड़ा जब प्रोजेक्ट ऐसे चेयरमैन साहब हमारे दरमियान में लाए हैं, एमडी साहब हमारे दरमियान में लाए, तो ये स्टाफ के लिए एक काफ़ी चैलेंजिंग भरा दौर रहा समझिए। तो वही चीज़ है जो आज तमाम स्टाफ की मेहनत है, और इसमें एमडी साहब का काफ़ी बड़ा सहयोग रहा, जो आज है से अल्हम्दुलिल्लाह 1 साल मुकम्मल होने आ रहा है। तो ये हमारे चैलेंजिंग्स का जो हम उसको फेस करते आए हैं, उससे जुटे हुए थे कि मुंसिफ टीवी को हमें आगे बढ़ाना है, मुंसिफ टीवी को अब हमारे को कामयाब कराना है, तो वो जो रहा तमाम टीम का इसमें है से काफ़ी सहयोग रहा। चलिए राहिल साहब, अभी जो है जो प्रोग्रामिंग साइड आती है, जब माशाल्लाह न्यूज़ के ताल्लुक से भी, रिपोर्टिंग के ताल्लुक से भी हम काफ़ी सवाल करेंगे, लेकिन जब ये प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा था, तो जो रिसोर्सेज अवेलेबल थे और किस तरीके से जो है आप ये चैलेंजेस को डील करें और कैसे जो है प्रोग्राम्स को कामयाब बनाए और शुरू किए। देखिए, जब मैंने जो चैनल जो ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, उस वक्त तो चैनल स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन ये था कि जो हमारा पहले का तजर्बा था हम लोग का, जैसे हमारे सज्जाद साहब ने भी बयान किया, तो उस तजर्बे की बुना पर यह था कि यहाँ पे और बड़े प्लेटफॉर्म पर इंशाल्लाह प्रोग्राम लेके आएंगे। तो उससे पहले जो हमारे चेयरमैन साहब खान लतीफ़ खान साहब की जो जद्दोजहद थी, उनको अमली जामा जो पहनाया हमारे हैदर रज़ा आदिल साहब ने पहनाया, उनकी काविशों का और मेहनत का ये नतीजा है कि चैनल अल्हम्दुलिल्लाह ऑन ईयर गया और आज 1 साल मुकम्मल कर चुका है। तो हम लोग जो थे शुरू से दिन रात लगे हुए थे, और मैं आपको बताऊं, जो है वो टेक्निकल की टीम हो या हमारे एडिटोरियल की टीम हो या प्रोग्रामिंग की टीम हो, ग्राफिक्स की टीम हो, कैमरामैन, वो सब टीम लगी हुई थी। और आपको शायद हैरत भी हो कि हम लोग 25 जनवरी 2011 की रात को सो भी नहीं पाए थे। हालत ये थी कि कोई आधे घंटे के लिए जाके सोता था, कोई 1 घंटे के लिए सोता था। मैं अपनी बात बताऊँ कि मैं चेयर पर सिर्फ आधे घंटे के लिए सोया था, हमारे सज्जाद साहब का भी यही हाल था, क्योंकि एक जोश था कि 10 साल पहले जहाँ पे एक और चैनल हम लोगों ने शुरू किया था, तो ये था कि इंशाल्लाह इस चैनल को भी उससे अच्छी तरह से ऑन ईयर लेके आना है। और हम लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह उसको लेके आए, और प्रोग्राम भी हम लोगों ने नए नए बनाए, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोगों ने जो देखा था, ऑलरेडी जो चैनल ऑन ईयर थे प्रोग्राम देख रहे थे, लेकिन पब्लिक ने जब मुंसिफ टीवी पे प्रोग्राम्स देखे और न्यूज़ देखी, तो उनका माशाल्लाह काफ़ी रिस्पांस मिला, क्योंकि हर बंदा जो था अपने हिसाब से दिलो जान से मेहनत कर रहा था, उसका रिज़ल्ट आपके सामने है। बिल्कुल, नाज़रीन जिनसे हम बेपनाह मोहब्बत करते हैं, क्योंकि उनकी वजह से हम हैं। जी जी। और आम तौर पे देखा जाता है कि वो चैनल उठाते हैं, टिक 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 चैनल्स चेंज करते हैं, तो नाज़रीन की जो रिक्वायरमेंट, जो पसंद, जो चीज़ें वो चाहते हैं, तो इस ताल्लुक से हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले सज्जाद साहब से ये सवाल है, सज्जाद साहब के न्यूज़ के ताल्लुक से जो है, किस हद तक आप देखते, काफ़ी चैनल्स हैं, मगर माशाल्लाह मैं समझता हूँ मुंसिफ टीवी चैनल एंड पूरे अपने अज़्म के साथ एक बेहतरीन जो है न्यूज़ का जो है देते हुए आ रहा है, और न्यूज़ बुलेटिन भी काफ़ी जो है डे टाइम में, नाइट टाइम में, सारे आप लोग टाइम जोन्स को भी कवर करते हैं। तो इस ताल्लुक से बताएं कि एज ए आउटपुट एडिटर, एज ए जो है हेड ऑफ द यू नो डिपार्टमेंट ऑफ द न्यूज़ एंड सारी चीज़ें जो ओवरलुक कर रहे हैं, तो इस ताल्लुक से आप बताएं कि आप कैसे करते हैं, क्योंकि लोग तो नहीं जानते, जब हम चैनल चेंज करते हैं हमको पता नहीं होता कि कोई एक छोटा सा प्रोग्राम लाने में कितनी मेहनत लगती है, तो आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। देखिए, खान साहब, खान लतीफ़ मोहम्मद खान साहब ने जब चैनल लॉन्च किया था,
जिस दिन हमारा ये चैनल ख्वाब से ताबीर में बदला था, ख्वाब से हकीकत का रूप इख्तियार कर गया था, तो उस वक्त का लतीफ़ खान साहब का जो पैगाम था आवाम के लिए, उर्दू वालों के लिए और सारे आलम के लिए, वो पैगाम था अम। उन्होंने कहा था कि हम मगरिब और हिंदुस्तान, मगरिब और मशरक़ के बीच एक पुल का काम करेंगे, और मगरिब में जिस तरह से गलत फहमियाँ पाई जाते हैं इस्लाम को लेकर, उन गलत फहमियों को दूर करने के लिए इस चैनल के ज़रिए हम काम करेंगे। और फिर खान साहब ने एक बात बड़ी अच्छी कही थी स्टाइल शीट में, हमने जो हमारे बीच बात हुई थी जब भी मीटिंगें होती थी, तो उनमें यही था कि हम अपने चैनल को सनसनीखेज नहीं बनाना चाहते, हम अपने चैनल में ऐसी कोई न्यूज़ नहीं देंगे जो सनसनीखेज हो, हम उजलत नहीं करेंगे। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं कि ब्रेकिंग और सबसे पहले सबसे तेज के नारों के साथ उजलत में गलत सलत खबरें चला दी जाती हैं, उजलत में ऐसी ऐसी खबरें चला दी जाती हैं कि बाद में उनको चैनल वालों को माजरत करनी पड़ती है। लेकिन हमसे कहा गया था कि हमको कोई ऐसी हरकत नहीं करनी है, कोई ऐसी उजलत नहीं करनी है, हमारा एक स्टाइल शीट होगा, हमारा एक सिस्टम होगा, हम सिर्फ न्यूज़ बताएंगे पूरी गैर जानबदारी के साथ, पूरी शफाफियत के साथ और पूरी दयानतदारी के साथ। हमारी न्यूज़ दयानत पर मबनी होगी, हमारी न्यूज़ सनसनी नहीं होगी, हमारी न्यूज़ सिर्फ न्यूज़ होगी, हम सिर्फ आवाम को मालूमात देंगे और हम इसमें कामयाब हैं। देखिए हमारे जितने भी न्यूज़ प्रोग्राम चलते हैं, अहवाल आलम, हैदराबाद डायरी, प्राइम टाइम, स्पोर्ट्स, मुनसिफ स्पोर्ट्स और खबरनामा, नेशनल न्यूज़ और कश्मीर न्यूज़ और उत्तराखंड न्यूज़, तो ये जिस तरह की भी खबरें हमारे पास बुलेटिन चलते हैं न्यूज़ के, हर बुलेटिन में हमने सनसनी को परे रखा हुआ है। हमारे जो बुलेटिन होते हैं बिल्कुल सीधा सादा होते हैं, हम बात सीधे करते हैं, हम सिर्फ इंफॉर्मेशन देते हैं, हम उसमें मसाला नहीं लगाते। और दूसरी बात ये कि आज आप देखिए हिंदुस्तान भर के चैनलों में हमारी बात नहीं रखी जा रही है, उर्दू वालों की बात नहीं रखी जा रही है, हमारा प्रेफरेंस होता है उर्दू वालों की बात, हमारा प्रेफरेंस होता है उर्दू वालों के साथ होने वाले हालात का, और हमने उर्दू वालों ही की खबर को उर्दू वालों की ही आवाज़ बनाने का बीड़ा उठाया है, और हम इस चैनल को उर्दू वालों की आवाज़ बना के ही चल रहे हैं। बहुत खूबसूरत। तो हमारी शाहिद साहब, आप बताएं कि जब वोटिंग, ये बहुत जो है बड़ा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि जो चीज़ें जो न्यूज़ को मौके वारदात या मौके से लेके जो है अपने नाज़रीन तक पहुंचाना, तो इस ताल्लुक़ से आप बताएं हमारे नाज़रीन को। देखिए अतर साहब, अभी सज्जा साहब ने बताया है कि चेयरमैन साहब और एमडी साहब ऐसे इस के नाज़रीन के लिए एक शफाफ रिपोर्टिंग, शफाफ न्यूज़ ऐसे हमें पेश करना था, तो ये बुलाकर जब बोले तो हैदर साहब भी मुझसे बात किए कि रिपोर्टिंग एक चैलेंजिंग शोभा होता है अतर साहब, तो इसमें हमें काफ़ी एक चैलेंजेस को ऐसे एक्सेप्ट करना पड़ता है और उसका सामना करना पड़ता है। जैसा कि आधी रात को ऐसे अगर कहीं पर आग लग गई, हमें वहाँ पर जाना पड़ता है, और कहीं ब्लास्ट हो गया, वहाँ पर मुकामी वाक़े पर हमको पहुँचना होता है और अपने नाज़रीन के लिए वहाँ की रिपोर्टिंग करके सही तरीके से हमें बताना पड़ता है, तो उसी को लेकर काफ़ी रिपोर्टिंग काफ़ी एक चैलेंजिंग है, जिसमें काफ़ी रिस्क भी होता है, मगर रिपोर्टर ऐसे वही कामयाब होता है जो अपने नाज़रीन का दिल जीते और शफाफ रिपोर्टिंग करते हुए अपना नाम रोशन करते। क्या बात है, बहुत खूबसूरत। जनाब राहिल साहब, आप बताएं कि ये जो प्रोग्राम्स बनते हैं, बनाते हैं, तमाम लोगों से कोऑर्डिनेशन, फिर उसके कंटेंट्स पे काम किया जाता है, तो इस ताल्लुक़ से आप जो नाज़रीन होते हैं, अगेन जैसे मैं बता रहा था, उनको जब जो चैनल स्विच करते हैं वो उनके लिए तो कोई मायने नहीं रखते, क्योंकि वो जानते नहीं हैं, तो अब मैं समझता हूँ ये अहम है कि हम ये इन्फॉर्मेशन को शेयर करें, तो ताकि उनको भी अंडरस्टैंड समझ में आए कि भाई ये प्रोग्राम्स कैसे बनते हैं, तो आप कुछ बताएं हमारे नाज़रीन। देखिए जो हमारे नाज़रीन प्रोग्राम देखते हैं, चाहे वो आधे घंटे का हो या एक घंटे का हो, उसके पीछे एक टीम वर्क होता है, पूरा चैनल काम करता है, कोई भी प्रोग्राम उसके सबसे पहले प्रोग्राम बनाने से पहले उसका एक कॉन्सेप्ट तैयार किया जाता है, और कॉन्सेप्ट के बाद जो है वो भेजा जाता है कि आइदर इस पर कितना काम करना है, ये पास हो सकता है, ये प्रोग्राम करना है या नहीं करना। एक बार जब ओके हो गया, उसके बाद क्या है कि प्रोग्राम हम जो है शुरू करते हैं हम लोग, उसके ग्राफिक्स बनना, जैसा कि आपको मालूम कि प्रोग्राम के जो है तीन पार्ट होते हैं, प्री प्रोडक्शन,
प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन, कि प्री प्रोडक्शन में हमें क्या करना है, सेट पे करना है या क्रोमा पे करना है, जो हमारे नाज़रीन नहीं जानते हैं वो भी समझ जाएंगे कि सेट पे करना है या क्रोमा पे करना है। उसके बाद जब प्रोग्राम शूट करने के लिए जाते हैं तो बाकायदा स्क्रिप्ट हमारे साथ में होती है कि किसके बाद कौन सा शॉट लेना है, किसके बाद कौन सा शॉट लेना है। अगर वो म्यूजिकल प्रोग्राम है तो उसके लिए म्यूज़िक का इंतखाब करना होता है, ग्राफिक्स का इंतखाब करना होता है, ग्राफिक्स में किस तरह के जो है कलर्स दिए जाएं, वो कलर्स जो हैं हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड हैं या नहीं। जैसे आज जो आप प्रोग्राम कर रहे हैं और आपका जो बीजी है उस पर आप जो है ट्राई कलर दिखा रहे हैं, जो झंडे का अपना कलर है वो, क्योंकि ये प्रोग्राम जो हम लोग कर रहे हैं वो हमारे एक साल जो मुकम्मल हो गया उसकी बुना पर कर रहे हैं, तो मतलब ये एक थीम होती है, वो थीम को लेके आगे बढ़ते हैं। जब प्रोग्राम हमारा शूट होता है तो फिर हम ग्राफिक्स के साथ उसको एडिट करते हैं, फिर जब ऑन एयर होने से पहले उसका प्रमोशन करते हैं ताकि हमारे नाज़रीन को पता चल जाए कि कौन सा प्रोग्राम आने वाला है। फिर पोस्ट प्रोडक्शन मतलब फिर ऑन एयर प्रोग्राम होता है। तो यही है कि जो चैनल के लिए प्रोग्राम बनाए हैं तो प्री प्रोडक्शन, प्रोडक्शन, पोस्ट प्रोडक्शन पर ही हम लोग काम करते हैं और प्रोग्राम उस तरह के बनाने की कोशिश करते हैं जिसको नाज़रीन देख के ये तारीफ करे कि हाँ भाई मैंने भी ये प्रोग्राम देखा। जैसा कि अभी सज्जाद साहब ने भी बोला है, हमारे सलाम शाहिद साहब ने बोला कि लोग जो है टीआरपी गेन करने के चक्कर में, जो टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट होता है उसको गेन करने के चक्कर में, वो हासिल करने के लिए उल्टी सीधी खबरें भी देते हैं, तरह तरह के जो है प्रोग्राम्स भी देते हैं। कुछ आपने भी प्रोग्राम्स देखे हैं जो हम लोग जो है फैमिली के साथ बैठ कर नहीं देख सकते हैं, लेकिन हमारे जो चेयरमैन साहब का एक नज़रिया था, एक सोच थी कि हम एक ऐसा चैनल लेके आएँ जो सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, जो उर्दू तबका है, उर्दू बोलने वाले, उर्दू से मोहब्बत करने वाले, उर्दू हमारी जैसा कि सेकंड लैंग्वेज है वो बोलने वाले हैं, तो उनके लिए न्यूज़ भी आए और प्रोग्राम्स भी आए। तो खान लतीफ़ खान साहब का जो ख्वाब था उसको हैदर रज़ा आदिल साहब ने पूरा किया और उसमें हमारी पूरी टीम काम कर रही है। तो इंशाल्लाह अगर इसी तरह से हम लोग काम करते रहे तो इंशाल्लाह आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह ज़रूर। जनाब सज्जाद साहब, अगला सवाल जो है थोड़ा सा ट्रिकी है, इसलिए कि जिस तरीके की सहाफत आज के दौर में जो लोग मीडिया में मैनिपुलेशन करते हैं, जो हकीकत से अवाम को गुमराही की तरफ जो है लेके जाने की कोशिश करते हैं या फिर उनका कोई अपना जाती मफाद उसमें होता है, तो आप क्या समझते हैं कि जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ओनर्स है या फिर जो भी बॉडी है उनकी जिनकी गाइडलाइंस है, उनको किस तरीके से जो है उनको अपने प्रोफेशंस के साथ जो है जस्टिफिकेशन करना ज़रूरी है और वो कैसे कर सकते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात आपने जो कही बहुत अहम बात है, एलो जर्नलिज्म, एलो जर्नलिज्म, जर सहाफत की जो बात कही है आपने, तो यकीनन आज के दौर में एलो जर्नलिज्म बहुत जगह पा रहा है हिंदुस्तान में भी, इसको लेके बड़ी तश्वीश पाई जाती है। जस्टिस करजो ने भी जो है इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा था कि एलो जर्नलिज्म बहुत तेज़ी से सराहियत करता जा रहा है, हमारी सिचुएशन हमारे हाल में सराहियत करता जा रहा है और हमारे समाज में सराहियत करता जा रहा है। तो यही बात है कि हमको एलो जर्नलिज्म से दूर होना है, हमको करप्ट नहीं बनना है। तो करप्ट नहीं बनना है तो उसका ये मतलब हुआ, करप्ट नहीं बनना है का ये मतलब हुआ कि हमको पूरी दयानतदारी के साथ काम करना होगा और तोड़ मरोड़ के जो पेश करने की बात की जाती है वो नहीं करना है हमको। जैसा कि अब देखने में ये आ रहा है, बहुत सारे लीडर्स का भी स्टेटमेंट है और वो बहुत सारे लीडर्स शिकायत भी करते हैं कि हम एक पस मंज़र में बात करते हैं, उसको किसी और पस मंज़र से जोड़ दिया जाता है और लड़ाने का काम किया जाता है। जैसे कि अभी बिल्कुल ताज़ा तरीन दो दिन पुरानी मैं बात कह रहा हूँ कि एक स्टेटमेंट आया था डिप्टी चीफ मिनिस्टर का किरण कुमार रेड्डी के बारे में, चीफ मिनिस्टर के बारे में, उसको मीडिया ने उछाल दिया कि दोनों के बीच में अख्तिलाफात हो गए हैं। वो दामोदर राज नरसिम्हा ने किरण कुमार रेड्डी के ताल्लुक से ये कहा कि वो एक तरफा फैसले कर रहे हैं, अपनी मर्जी चला रहे हैं, डिक्टेटरशिप चला रहे हैं। तो उन्होंने सिर्फ चीफ मिनिस्टर के कुछ फैसलों पे उन्होंने बात की थी लेकिन उसको एक लड़ाई की शक्ल दे दी गई। तो उन्होंने दूसरे दिन कहा कि हमने ऐसा कहा ही नहीं था, ये तो मीडिया तो हमको लड़ाना चाहता है, मीडिया तो हमें इख्तलाफात पैदा करना चाहता है। तो इस तरह के जर्नलिज्म से बचना होगा यकीनन, और मुनसिफ इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा हसास है और बहुत ज़्यादा हमारी तरफ से कोशिशें यही हैं कि कोई ऐसी बात ना जाए अवाम में जिससे कि रॉन्ग मैसेज पहुँचे, जिससे कि हमारा जो एतमाद है, अवाम का जो एतमाद है हम पे, उसको ठेस पहुँचे।
माशाल्लाह, बड़ी खूबसूरत बात। यहाँ पे हम थोड़ी सी तब्दील करते हैं इस प्रोग्राम को, जहाँ पे हम सब जो है सारे लोग मुंसलिक हैं मीडिया से, तो हम मिल के गुफ्तगू करते हैं। सवालात का सिलसिला जो भी आता है मैं करूँगा, लेकिन अगेन ये जो येलो जर्नलिज्म जो जिक्र कर रहे हैं, तो आप लोग भी जो है इस ताल्लुक से बराबर शामिल हो के इसको आगे बढ़ाएं प्रोग्राम को। तो आप क्या समझते हैं जो सहाफत या प्रोग्राम जो जिम्मेदारी है मीडिया से रिलेटेड लोगों की, उस ताल्लुक से जो है कुछ शेयर करें? बेशक अथर साहब, देखिए येलो जर्नलिज्म जो अभी सज्जा साहब बताए, हमें उससे हट के काम करना होगा, तभी ऐसे आवाम कई चैनल्स तो कई एक है, आप देख रहे हैं कई एक चैनल्स हैं, मगर अब वही चैनल पे आवाम ऐसे भरोसा करेंगी जो शफाफ रिपोर्टिंग शफाफ प्रोग्राम्स बताएंगी अपने नाजरीन को, तभी हम ऐसे इसमें कामयाब हो सकते हैं। देखिए यहाँ पे मैं थोड़ा सा बात यह है कि यहाँ पे फिर नाजरीन की बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, क्योंकि देखिए जो लेमन जो नाजरीन है उन वो तो जानते नहीं है कि भाई वो जो है देखते हैं, झूठ को भी अगर हजार बार बताओ तो फिर वो सच लगने लगती है। तो उसी तरीके से मैं समझता हूँ कि नाजरीन की भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जहाँ पे कि वो ड्यू डिलिजेंस करे, देखे एक से चार चैनल, आजकल गूगल सारी डिफरेंट टेक्नोलॉजी अवेलेबल है जहाँ पे वेरीफाई कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये काफी जो है जरा सेंसिटिव इशू है, इसको दोनों साइड्स मीडिया एंड नाजरीन जो है दोनों की जिम्मेदारी। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए जैसा कि अभी हमारे जो दो कुलीग हैं सज्जाद साहब और सलाम शाही साहब, इन्होंने बताया, आप जो जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि मीडिया का मतलब है, जर्नलिज्म का मतलब है जो ट्रुथ है वो आप आवाम के सामने रखें, जो सच्चाई है वो आवाम के सामने रखिए, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, फिर आवाम को फैसला करने दीजिए। हज़ारों चैनल हैं हिंदुस्तान में भी, सैकड़ों चैनल हैं, 330 कोई केबल दिखा रहा है, कोई जो है 210 दिखा रहा है, तो अलग अलग स्कीम के साथ दिखा रहे हैं, और हर चैनल पर वही स्टोरी है। फॉर एग्जांपल कि आज राहुल गांधी मेरठ में गए, वही एक चैनल दिखा रहा है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा चैनल के, वही दूसरा दिखा रहा, सारे चैनल उसी पर दिखा रहा है। लेकिन जो मुनसिफ का एम है वो बिल्कुल सबसे हटके है कि हम नाज़रीन को वो चीज़ दें जो नाज़रीन मालूम करना चाहते हैं। हमारे साथ सज्जाद साहब हैं, जो हम लोग एक दूसरे चैनल से जो आए हैं, तो एक मैंने प्रोग्राम देखा था, मैं प्रोग्राम का नाम लेना ज़रूरी समझता हूँ सज्जाद साहब, मैंने जब वो प्रोग्राम देखा तो मुझे इतना अच्छा लगा, मालूम क्या ये प्रोग्राम मतलब किसका कॉन्सेप्ट है, तो मेरे एक कोलीग ने बताया कि ये सज्जाद साहब का कॉन्सेप्ट है। तो दूसरे दिन जाके मैंने सज्जाद साहब को मुबारकबाद दी, हालांकि हम जानते थे कि हाँ ये सज्जाद साहब एक जिम्मेदार हैं, लेकिन हमारी उतनी उस तरह से गुफ्तगु नहीं होती थी, लेकिन जब वो मैंने कॉन्सेप्ट देखा, प्रोग्राम देखा, इतना बेहतरीन वो प्रोग्राम था न्यूज़ बुलेटिन, जाके मैंने इनको मुबारकबाद दी। तो सज्जाद साहब आप बताएंगे इसमें क्या जिम्मेदारी मीडिया को एक सही बताने में, वो या फिर क्या मफाद है कि जो है उसको जो है मैनिपुलेट करके या कोई चेंजेस लाके जो है गुमराह करना? देखिए गुमराह करने का मफाद यही होता है, देखिए बुनियादी बात यह है कि आवाम से मतलब नहीं होता। गुमराह करने का मतलब क्या हुआ, आपको आवाम से मतलब नहीं है, आप आवाम का भरोसा जीतना नहीं चाहते, यही मतलब है, नाजरीन का भरोसा आप जीतना नहीं चाहते, आपका सिर्फ एक ही टारगेट होता है, हमको ये लीडर है, ये मिनिस्टर है, ये हमको इसको टारगेट करना है बस, और ये आजीद आ जाए हमसे, और फिर वो कहे कि भाई आप चाहते क्या हो आपके, और फिर उसके जवाब में आप अपना कुछ ना कुछ मफाद हासिल कर लो, तो ये होता है असल मकसद। तो इससे ना सिर्फ चैनल की बदनामी होती है, चैनल का भरोसा टूटता है, बल्कि लोगों में भी एक गलत मैसेज जाता है, तो इस तरह की चीज़ों से बचना बहुत ज़रूरी है। आवाम की क्या जिम्मेदारी है इसमें? आवाम की जिम्मेदारी ये है कि आवाम, देखिए आवाम आजकल देखिए हर चैनल, बहुत सारे चैनल हैं, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, तो ऐसे में हम आवाम को बेवकूफ़ नहीं बना सकते, क्योंकि वो एक पल में आपके चैनल से दूसरे चैनल पे चले जाएगा, एक स्टोरी आपके पास चल रही है वही दूसरे चैनल में किस तरीके से बताई जा रही है, किस तरीके से दिखाई जा रही है, उसका ट्रीटमेंट कैसा किया जा रहा है, और उस न्यूज़ को कैसे उछाला जा रहा है, ये आवाम जज कर जाते हैं। तो आवाम में ये जो हमारी जो झूठ होता है, या फिर हम एलो जर्नलिज्म जिसको हम कहते हैं कि किसी चीज़ को उछालना, तो किसी चीज़ को उछालने वाला मामला होता है, वो मामले आवाम से छुपे नहीं रह सकते, आवाम बहुत जल्द उन मामलों को लेके हकीकत की तरफ आ जाती है, फिर वक्ती तौर पे तो आपने फ़ायदा हासिल कर लिया, वक्ती तौर पे तो आपकी TRP बन गई, लेकिन हमेशा के लिए आपने आवाम का एतमाद खो दिया। तो यहाँ पे रिपोर्टर्स की क्या जिम्मेदारी है?
देखिए अथर साहब, रिपोर्टर्स को चाहिए कि ऐसे वो किसी एक जमात की रिपोर्टिंग ना करे और किसी एक शख्सियत के बारे में ना लिखे, वो हर एक की बराबर रिपोर्टिंग करे और हर एक मसाइल को अपने अवाम तक पहुंचा सके। तभी ऐसे देखिए, आप जब आप हकीकत बताएंगे तभी लोग ऐसे आपके चैनल से वाबस्ता होंगे, आपके चैनल को देखना पसंद करेंगे। तो रिपोर्टर्स को चाहिए कि भाई जो मार्केट में हो रहा है, जो मसाइल हमारे सामने पेश आ रहे हैं, आवाम को क्या मसाइल पेश आ रहे हैं, ये इस पर ऐसे वहाँ की रिपोर्टिंग करें, इस पर वहाँ को कवरेज करें, वहाँ और वहाँ क्या हालात पेश आ रहे हैं। अगर ये आवाम के मसाइल ऐसे हम अगर अपने टीवी के ज़रिए बताएंगे तो वहाँ आवाम ऐसे चैनल से वाबस्ता होगी, क्योंकि उनके मसाइल को हम उठा रहे हैं और देखेंगे कि उनके मसाइल इससे मुनसिफ टीवी के ज़रिए हल हो रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि शफाफ रिपोर्टिंग के ज़रिए और किसी एक जमात की नहीं बल्कि हर एक की नुमाइंदगी करें और हकीकत जो है वो बताए। जी, पहले जो है सबा खामोज प्रोग्राम्स आते थे जिससे लोगों को जो है कुछ अच्छे लेसन्स या इंस्पिरेशंस मिलते थे, लेकिन आजकल आम तौर पे जो सास बहू के झगड़े वाले जो प्रोग्राम्स जो है महीनों दिनों साल बल्कि वो जनरेशंस से चलते हुए आ रहे हैं, जो कुछ कमर्शियल हो चुका है, तो आप क्या समझते हैं जो प्रोग्रामिंग साइड के लोग हैं उनकी कितनी जिम्मेदारी है एज ए चैनल एज ए ऑर्गेनाइजेशन के हमारे मुल्क के हमारे सिटीजन्स हमारे हम आवाम के लिए कितना जरूरी है कि कोई प्रोग्राम अगर बन रहा है तो ये भी कंसिडर किया जाए कि इससे लोगों को क्या सबक मिलेगा, जरूरी है या नहीं है, इन लोग की कोई जिम्मेदारी है? बिल्कुल जिम्मेदारी है। देखिए, जो आप पब्लिक को दिखाएंगे वही पब्लिक देखेगी, ठीक है। अगर पब्लिक की पसंद की आप कोई चीज़ नहीं दिखा रहे, जैसा कि अभी शाहिद साहब ने कहा कि जो रियलिटी है वो सामने दिखाएं, रिपोर्टर हर चैनल रख रहा है, ठीक है, और आपको न्यूज़ एजेंसी से सेम रिपोर्ट मिल रही है, लेकिन वे ऑफ प्रेजेंटेशन जो है वो एक चैनल का अलग होता, दूसरे का अलग होता, तीसरे का अलग होता, जिसकी बुना पर वो लोग जो है आवाम को अपनी तरफ मुखातिब करती हैं। एक चैनल है जो मैं नाम नहीं लेना, चैनल का मैं किसी का नाम ही लेना चाहूँगा, लेकिन आपको ये मालूम है कि वो सांप बिच्छू की स्टोरी बता के वो नंबर एक पे चला जाता है, क्योंकि उसको देखने वाले अलग हैं। एक चैनल जो है भूत प्रेत सांप बिच्छू उसको दिखा के जो है नंबर एक पे चला जाता है। एक चैनल जो है सिर्फ रियलिटी दिखाता है, उसको कौन पसंद करता है? जो भी लिटरेट लोग हैं, जो भी पढ़े लिखे लोग हैं वो उसको पसंद करते हैं। तो हर चैनल की एक अगर अलग अलग व्यूअरशिप होती है, इसी तरह से मुनसिफ टीवी है या कोई सा भी टीवी हो उसकी व्यूअरशिप अलग होती है। तो हम लोग जब प्रोग्राम बनाते हैं या हमारे जो सीनियर हैं, हमारे जो MD साहब हैं या चेयरमैन साहब हैं, उन्होंने बुला के यही कहा कि आप प्रोग्राम इस तरह के बनाइए ताकि जिसको पब्लिक देखे और पब्लिक उससे कुछ सीखे। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो प्रोग्राम हम लोगों ने बनाए हैं, तश्कील दिए हैं, उससे लोगों को सीखने को मिलता है। हमारे प्रोग्राम लोग देख के कभी ख़ानदान में या घर में रंजिश नहीं पैदा होती है, जो आप देखते हैं दूसरे चैनल पर, क्योंकि सास और माँ और बेटी बहू वो इस तरह की जो सीरियल दिखाते हैं उसमें क्या कि अच्छा बहू ने ऐसा किया तो सास को कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं, सास ने ऐसा कहा तो बहू को कुछ पॉइंट मिल जाते हैं। पता चला कि जो सीरियल में देखते हैं, जो टीवी पे देखते हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं घर पे अप्लाई करते हैं। हमारे यहाँ का ऐसा नहीं है, हम लोग जो प्रोग्राम बनाते हैं वो बेहतरीन तरीके के प्रोग्राम बनाते हैं ताकि लोग देखें और ये सोचें कि हाँ मैंने आधे घंटे में या एक घंटे में क्या सीखा और क्या हासिल किया। संजीदा सवाल तो चलते रहेंगे, यहाँ पे कुछ अच्छे जो है मेमोरेबल मोमेंट्स को भी शेयर करते हैं। तो जब से मुनसिफ टीवी शुरू हुआ या शुरू होने से पहले, जैसे सजादुल हसनैन साहब, शाहिद साहब एंड राहिल साहब, के कुछ ऐसे जो है आपके यादगार लम्हात हमारे नाजरीन के साथ शेयर करें जहां आप समझते हैं कि जो है ना ये मुनसिफ टीवी में बड़ा जो है कोई अच्छा मोमेंट, बहुत ही यादगार आप लोगों ने इंजॉय किया। तो सबसे पहले जो है हमारे सज्जाद साहब से, मैं समझता हूँ काफी ऐसे मोमेंट्स होंगे जो जहाँ पे सारे जी, लोग जी, आपके जी। जो है पास आके जखीरा मोमेंट का जखीरा सज्जाद साहब। देखिए, तकरीबन एक साल हो गया हमको, एक साल पहले से, काफी पहले से हम लोग तैयारी कर रहे थे। दिसंबर में ही हमारी तैयारी शुरू हो गई थी चैनल के लिए, गुज़िश्ता बरस दिसंबर की बात कर रहा हूँ, तो तैयारी शुरू हो गई थी और फिर 26 जनवरी में चैनल लॉन्च हुआ। तो हमको अच्छी तरीके से याद है कि हम जब चैनल लॉन्च होने को था तो बहुत सारी बातें हो रही थी, चूंकि एक तकलीफ का अमल जारी था, चैनल की तकलीफ का अमल और चैनल के प्रोग्रामों की न्यूज़ की, तो
बहुत सारी मीटिंगें होती थी, बड़ी दिलचस्प जी मीटिंगें, जी बहुत सारी बातें होती थी। राहिल साहब तो बखूबी जानते हैं कि उसमें झड़प भी हो जाती थी, जी झगड़े भी हो जाते थे, खासकर न्यूज़ के कॉन्सेप्ट को लेके कि कैसी न्यूज़ हमको देना है, न्यूज़ में किस तरह के अल्फाज, तलफ़ुज़ का क्या मामला है, अल्फाज का क्या मामला है, और फिर स्क्रिप्ट का क्या मामला है, स्टाइल शीट का क्या मामला है, उन मामला को लेके बड़ी दिलचस्प बातें होती थी। और बहुत सारे लोग आते थे, सीनियर लोग बाहर से बुलवाए जाते थे ट्रेनिंग के लिए, तो उनकी आमद और फिर उसके साथ हमारी नोक झोंक झड़प, तो बहुत सारी बातें हैं। लेकिन दिलचस्प बातें जो सबसे अहम ये कहलाएंगी कि काम इतना ज़्यादा होता था उस ज़माने में कि जैसा कि राहिल साहब ने कहा कि हमको सोने का वक्त भी नहीं मिलता था। तो हम दिसंबर का महीना, शदीद तरीन सर्दी, सख्त सर्दी का मौसम, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, ऊपर नमाजगाह है, तो हम लोगों से छुप के, हमको ये खौफ होता था कि कहीं हम अगर आधे घंटे के लिए सो जाएंगे तो कहीं दूसरा किसी काम के मकसद से हमको जगा ना दे। तो लोगों से छुपने के लिए हम जाते थे मस्जिद में, ऊपर जो नमाजगाह है हमारी इस मसल चैनल में, जो जी मुसल्ला है, नमाजगाह है, वहाँ जाते थे और सोने की कोशिश करते थे। लोगों से तो छुप गए हम, लेकिन सर्दी से कैसे बचेंगे, कोशिश। अब हमने कम्बल वम्बल तो रखा नहीं था यहाँ पे कि हम वो करेंगे कि भाई एक सर्दी से बचेंगे, बस ऐसे ही काम के दौरान दफ्तर के चेयर से उठ के हम चले गए वहाँ पे थोड़ा आराम करने के लिए, थोड़ी कमर सीधी करने के लिए। लेकिन वहाँ भी हमको सर्दी से बड़ी मुश्किल होती थी। एक बार अच्छी याद है हमको कि राहिल साहब भी थे, मैं था, हमने कोशिश की सोने की लेकिन सो सर्दी नहीं की वजह से पाया नहीं होती थी। सर्दी की वजह से। और दूसरी बात ये कि एक वक्त तो ऐसा आया कि हम रात भर जागते रहे, हमको टाइम का पता ही नहीं चला। हम गए ऊपर मस्जिद में, मुसल्ले में, हम सो गए, 5 मिनट बाद मौजन साहब की अजान की आवाज़ आ सही है, रही है। माशाल्लाह, फजर का टाइम था हो गया। फजर का वक्त हो रहा था, हमको जी जी एहसास ही जी नहीं था कि हम जो है जब सोने जा रहे हैं वो फजर का वक्त है, सिर्फ 5 मिनट के अंदर। तो देखिए एक अजीब से सिचुएशन से हम दो चार हो गए थे वहां पे, सोना भी चाहते हैं और नमाज का वक्त भी हुआ जा रहा है और धीरे धीरे लोग आ रहे हैं। बिल्डिंग के मुख्तलिफ अखबार भी तो है हमारी इस इमारत में, तो अखबार के लोग भी आते थे नमाज पढ़ने के लिए, तो लोग उठा रहे हैं, तो इस तरह की सिचुएशन थी। सबसे बड़ा मसला ये था कि हम आराम सोने के लिए 24 घंटे की शिफ्ट में। माशाल्लाह, वेरी नाइस। शायद साहब आप कुछ शेयर करें। देखिए यादगार लम्हात में सज्जा साहब तो ऐसे सर्दियों के दौर की बात बोले, शुरुआती दौर की बात बोल दिए हैं, तो मैं ऐसे जो चिलचिलाती धूप में जो हमारा एक यादगार लम्हा रहा, शायद ही अथर साहब आप भी उस दौरे में मौजूद थे मेरे साथ, जिसमें हैदर साहब के साथ हम ऐसे तमाम अजला का दौरा करते हुए मुंसिफ टीवी के टेलीकास्ट के लिए काफ़ी जद्दोजहद करे, तो ये जो दौरा था वो शायद ही हम जिंदगी भर ना भूले, क्योंकि एक माह जो हम कंटिन्यू ऐसे वहाँ आप देखते थे, आप खुद ऐसे बराबर ऐसे इससे में शरीक थे, 10 10 घंटे, 20 20 घंटे कंटिन्यू ऐसे हम ऐसे इसमें मेहनत करते थे, तमाम अजला का दौरा करे, और उस वक्त ऐसे जो चिलचिलाती धूप थी, आप भी मीन्स उसमें वन ऑफ द पार्ट थे, समझे आप, तो ये जो रहा लम्हा जो काफी यादगार यादगार रहा रहा। जी क्या बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा एक छोटे से ब्रेक के बाद।